कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं और उसकी पहचान क्या है, ये हमने कल देखा। कारक के 8 भेदों में से 4 भेद हमने सीखे हैं। आज हम उस आगे के 4 कारक के भेदों को सीखने वाले हैं। आज का हमारा कारक का 5वां भेद है अपादान कारक। इस कारक का विभक्ति चिन्ह है से। इसकी पहचान संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बच्चे स्कूल से आ गए। यहाँ पर देखो बच्चों, पेड़ से पत्ते गिर गए, यहाँ पर पेड़ से चिपके थे जो अलग हो गए हैं, तो से यानी पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो पेड़ और पत्ते इनका संबंध जो है वो से इस विभक्ति चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से वो अलग होने की भूमिका यहाँ पर दिखा रहा है। बच्चों, अपादान कारक में अलग होने के अलावा तुलना, डरने या लजाने, सीखने, घृणा आदि के भाव का भी बोध होता है। वो कैसे, ये हम देखते हैं कुछ उदाहरण द्वारा। जैसे कि बच्चों, मेरी बहन मुझसे लंबी है, यहाँ पर तुलनात्मक भाव दिखाया गया है, लंबी है यानी मुझसे। ये जो से विभक्ति होती है वो सर्वनाम को जुड़कर आ जाती है, इसीलिए मुझसे ये से वहाँ पर जुड़कर आ गया है और यहाँ पर तुलना का भाव दिखाया गया है। दूसरा उदाहरण है, मुझे गंदगी से नफरत है, तो यहाँ पर नफरत यानी घृणा का भाव है। मेरा बेटा चिपकली से डरता है, तो देखो चिपकली से किससे डरता है, चिपकली से डरता है, तो डरने का भाव यहाँ पर दिखाया गया है। छोटे बच्चे घर आए मेहमानों से लजाते हैं अर्थात शर्माते हैं, तो यहाँ पर लजाने का भाव हुआ है। तो इस कारक की जो पहचान है वो आप कैसे करेंगे, तो बच्चों क्रिया के साथ किससे और कहाँ से, ऐसा प्रश्न लगाकर आपको जो उत्तर मिलेगा वही अपादान कारक होगा। जैसे कि कुएं से पानी निकालो, यह वाक्य है और आप उसे प्रश्न पूछो कहाँ से पानी निकालो, निकालना है यानी पानी कहाँ से निकालो, तो कुएं से, तो ये कुएं से जो है वो अपादान कारक है, तो लग गया ना कुएं और से का आपको विभक्ति चिन्ह मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पर अपादान कारक की पहचान आप लोगों को करनी है। अब हम मुड़ते हैं हमारे कारक के 6ठे भेद की तरफ, यह है संबंध कारक। यहाँ पर इस संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी, इस तरह के विभक्ति चिन्ह उसके आ जाते हैं। देखो, शब्दों के जिस रूप से वस्तु व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, सुधा का घर बहुत दूर है, तो यहाँ पर का जो है वो संबंध दिखा रहा है, सुधा और घर के बीच ये का विभक्ति चिन्ह लग गया। तुम्हारे पिताजी की दुकान कहाँ है, तो पिताजी और दुकान के बीच की यह परसर्ग लगा है। तो इन वाक्यों में सुधा का घर तथा पिताजी का दुकान से संबंध का बोध हो रहा है, इसीलिए ये संबंध कारक हैं। इसकी अगर पहचान हमें करवानी है तो देखो, संज्ञा और सर्वनाम के साथ किसकी, किसका, किसके या किसने लगाकर प्रश्न करें, जो उत्तर मिल जाए वह संबंध कारक होगा। तो इस तरह से आप इस संबंध कारक की पहचान करवा सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे है हमारा 7वां भेद कारक का अधिकरण कारक। इस अधिकरण कारक में परसर्ग आ जाता है में और पर। यहाँ पर वे कारक जिससे क्रिया के स्थान, आधार या आश्रय का बोध होता है उन्हें कहते हैं अधिकरण कारक। जैसे कि खाना मेज पर रखा है, मोर छत पर बैठा है,
यहाँ पर लड़कियाँ कमरे में बैठी है, तो पर और मैं ये जो है शब्द विभक्ति चिन्ह ये यहाँ पर जुड़कर आए हैं। इन वाक्यों में क्रिया के साथ कहाँ यह प्रश्न लगाकर पूछो, जो उत्तर मिलेगा वो होगा अधिकरण कारक। तो इस तरह से देखो, खाना कहाँ पर रखा है, तो मेज पर, तो आ गया ना मेज पर, ये है अधिकरण कारक। मोर कहाँ बैठा है, तो छत पर, तो इस तरह से यहाँ पर अधिकरण कारक हमें मिल गया। तो मेज पर और छत पर यह अधिकरण कारक के है। तो इस तरह से हम इजी एकदम आपको इन कारकों को पहचानने के लिए चिन्ह बता रहे हैं, उसे आप अगर अच्छी तरह से ध्यान में रखोगे तो आपको कारक भी बहुत आसान तरीके से पहचानने के लिए भी आ सकते हैं। अब हम मुड़ते हैं हमारे कारक के भेद का आखिरी भेद है संबोधन कारक। ये सबसे बड़ा और एकदम आसान सा भेद है। इसमें विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ, यानी हम किसी को संबोधित करते हैं तो जिस तरह से उद्गारवाचक चिन्ह वहाँ पर आ जाते हैं उसी तरह से यहाँ पर देखो, संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित करने अथवा पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कहते हैं। हे राम, आप ही रास्ता दिखाइए, अरे मेरी बात तो सुनो, इस तरह से जो यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी चिन्ह आ जाते हैं, उदाहरण चिन्ह आ जाते हैं, उद्गारवाचक चिन्ह आ जाते हैं, तो वो होते हैं संबोधन कारक के उदाहरण। तो इस तरह से इसकी पहचान बहुत ही आसान है। इन 8 भेदों में से कारक की पहचान बहुत ही आसान है। तो इसी तरह से यहाँ पर कारक में कुछ विभक्ति चिन्ह कारकों के भेदों में समान आए हुए हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जाते जाते उसकी पहचान करवाते हैं, उनके बीच का अंतर हम समझते हैं। जैसे कि बच्चों देखो, करण कारक के माध्यम से, करण कारक और अपादान कारक, इन दोनों में से का विभक्ति चिन्ह आ जाता है। लेकिन इसकी पहचान के लिए आपको बहुत ध्यान में रखना है कि करण कारक के माध्यम से कर्ता काम करता है। क्या है? तो करण कारक के माध्यम से कर्ता काम करता है, और अपादान कारक में अलग होने, शर्माने, लजाने, तुलना होने आदि का पता चलता है। तो ये फर्क हैं करण कारक और अपादान कारक के से, यानी करण कारक में कर्ता जिस साधन से काम कर रहा है उससे जुड़कर से आ जाता है, और यहाँ पर अपादान कारक में अलग होने की भूमिका, जो अलग हो रहा है उससे पहले, जिससे अलग हो रहा है उससे जुड़कर से आ जाता है। जहाँ पर हमने देखा था कि पेड़ से पत्ते गिर गए, तो पत्ते गिरते हैं लेकिन कहाँ से गिरते हैं, तो पेड़ से, तो उस जिससे जुड़े हुए रहते हैं उससे से लग कर आ जाता है। तो इस तरह से करण कारक और अपादान कारक की जो अंतर है वो आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से इस कारक का एक अंतर और भी है, संप्रदान कारक और कर्म कारक। इनमें भी देखो, संप्रदान कारक में कर्ता देने का कार्य करता है, और कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। यानी संप्रदान कारक क्या है, तो वहाँ पर कर्ता किसी को कुछ देने के कार्य करता है तो उससे जुड़कर उसका विभक्ति चिन्ह लग जाता है, और कर्म कारक में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उस फल से जुड़कर वो विभक्ति चिन्ह आ जाता है। तो इस तरह से ये कारक के 8 भेद हैं, और उनकी पहचान हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी गई हैं। बच्चों, आपको ज़रूर ये अच्छी तरह से समझ आएंगे, आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए, तो पढ़कर समझोगे तो बहुत ही आसान होगा आपको कारक के भेदों को पहचानना। तो बच्चों, यहीं पर हमारा कारक का जो अध्ययन है वो समाप्त होता है। नमस्ते बच्चों, कल हमने हमारे ग्रामर का नया पाठ सीखने के लिए शुरुआत की थी, और उसका नाम था कारक।
कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं और उसकी पहचान क्या है, ये हमने कल देखा। कारक के 8 भेदों में से 4 भेद हमने सीखे हैं। आज हम उस आगे के 4 कारक के भेदों को सीखने वाले हैं। आज का हमारा कारक का 5वां भेद है अपादान कारक। इस कारक का विभक्ति चिन्ह है से। इसकी पहचान संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बच्चे स्कूल से आ गए। यहाँ पर देखो बच्चों, पेड़ से पत्ते गिर गए, यहाँ पर पेड़ से चिपके थे जो अलग हो गए हैं, तो से यानी पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो पेड़ और पत्ते इनका संबंध जो है वो से इस विभक्ति चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से वो अलग होने की भूमिका यहाँ पर दिखा रहा है। बच्चों, अपादान कारक में अलग होने के अलावा तुलना, डरने या लजाने, सीखने, घृणा आदि के भाव का भी बोध होता है। वो कैसे, ये हम देखते हैं कुछ उदाहरण द्वारा। जैसे कि बच्चों, मेरी बहन मुझसे लंबी है, यहाँ पर तुलनात्मक भाव दिखाया गया है। लंबी है यानी मुझसे, ये जो से विभक्ति होती है वो सर्वनाम को जुड़कर आ जाती है, इसीलिए मुझसे ये से वहाँ पर जुड़कर आ गया है और यहाँ पर तुलना का भाव दिखाया गया है। दूसरा उदाहरण है, मुझे गंदगी से नफरत है, तो यहाँ पर नफरत यानी घृणा का भाव है। मेरा बेटा छिपकली से डरता है, तो देखो छिपकली से किससे डरता है, छिपकली से डरता है, तो डरने का भाव यहाँ पर दिखाया गया है। छोटे बच्चे घर आए मेहमानों से लजाते हैं अर्थात शर्माते हैं, तो यहाँ पर लजाने का भाव हुआ है। तो इस कारक की जो पहचान है वो आप कैसे करेंगे, तो बच्चों क्रिया के साथ किससे और कहाँ से, ऐसा प्रश्न लगाकर आपको जो उत्तर मिलेगा वही अपादान कारक होगा। जैसे कि कुएं से पानी निकालो, यह वाक्य है और आप उसे प्रश्न पूछो कहाँ से पानी निकालो, निकालना है यानी पानी कहाँ से निकालो, तो कुएं से, तो ये कुएं से जो है वो अपादान कारक है, तो लग गया ना कुएं और से का आपको विभक्ति चिन्ह मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पर अपादान कारक की पहचान आप लोगों को करनी है। अब हम मुड़ते हैं हमारे कारक के 6 भेद की तरफ, यह है संबंध कारक। यहाँ पर इस संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी, इस तरह के विभक्ति चिन्ह उसके आ जाते हैं। देखो, शब्दों के जिस रूप से वस्तु व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, सुधा का घर बहुत दूर है, तो यहाँ पर का जो है वो संबंध दिखा रहा है, सुधा और घर के बीच ये का विभक्ति चिन्ह लग गया। तुम्हारे पिताजी की दुकान कहाँ है, तो पिताजी और दुकान के बीच की यह परसर्ग लगा है। तो इन वाक्यों में सुधा का घर तथा पिताजी का दुकान से संबंध का बोध हो रहा है, इसीलिए ये संबंध कारक हैं। इसकी अगर पहचान हमें करवानी है तो देखो, संज्ञा और सर्वनाम के साथ किसकी, किसका, किसके या किसने लगाकर प्रश्न करें, जो उत्तर मिल जाए वह संबंध कारक होगा। तो इस तरह से आप इस संबंध कारक की पहचान करवा सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे है हमारा 7वां भेद कारक का अधिकरण कारक। इस अधिकरण कारक में परसर्ग आ जाता है में और पर। यहाँ पर वे कारक जिससे क्रिया के स्थान, आधार या आश्रय का बोध होता है उन्हें कहते हैं अधिकरण कारक। जैसे कि खाना मेज पर रखा है, मोर छत पर बैठा है,
यहाँ पर लड़कियाँ कमरे में बैठी है, तो पर और मैं ये जो है शब्द विभक्ति चिन्ह ये यहाँ पर जुड़ कर आए हैं। इन वाक्यों में क्रिया के साथ कहाँ यह प्रश्न लगाकर पूछो, जो उत्तर मिलेगा वो होगा अधिकरण कारक। तो इस तरह से देखो, खाना कहाँ पर रखा है, तो मेज पर, तो आ गया ना मेज पर, ये है अधिकरण कारक। मोर कहाँ बैठा है, तो छत पर, तो इस तरह से यहाँ पर अधिकरण कारक हमें मिल गया। तो मेज पर और छत पर यह अधिकरण कारक के है। तो इस तरह से हम इजी एकदम आपको इन कारकों को पहचानने के लिए चिन्ह बता रहे हैं, उसे आप अगर अच्छी तरह से ध्यान में रखोगे तो आपको कारक भी बहुत आसान तरीके से पहचानने के लिए भी आ सकते हैं। अब हम मुड़ते हैं हमारे कारक के भेद का आखिरी भेद है संबोधन कारक। ये सबसे बड़ा और एकदम आसान सा भेद हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ, यानी हम किसी को संबोधित करते हैं तो जिस तरह से उद्गारवाचक चिन्ह वहाँ पर आ जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर देखो संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित करने अथवा पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कहते हैं। हे राम, आप ही रास्ता दिखाइए, अरे मेरी बात तो सुनो, इस तरह से जो यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी चिन्ह आ जाते हैं, उदाहरण चिन्ह आ जाते हैं, उद्गारवाचक चिन्ह आ जाते हैं, तो वो होते हैं संबोधन कारक के उदाहरण। तो इस तरह से इसकी पहचान बहुत ही आसान है। इन 8 भेदों में से कारक की पहचान बहुत ही आसान है। तो इसी तरह से यहाँ पर कारक में कुछ विभक्ति चिन्ह कारकों के भेदों में समान आए हुए हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जाते जाते उसकी पहचान करवाते हैं, उनके बीच का अंतर हम समझते हैं। जैसे कि बच्चों देखो, करण कारक के माध्यम से, करण कारक और अपादान कारक, इन दोनों में से का विभक्ति चिन्ह आ जाता है। लेकिन इसकी पहचान के लिए आपको बहुत ध्यान में रखना है कि करण कारक के माध्यम से कर्ता काम करता है, क्या है, तो करण कारक के माध्यम से कर्ता काम करता है, और अपादान कारक में अलग होने, शर्माने, लजाने, तुलना होने आदि का पता चलता है। तो ये फर्क हैं करण कारक और अपादान कारक के से, यानी करण कारक में कर्ता जिस साधन से काम कर रहा है उससे जुड़कर से आ जाता है, और यहाँ पर अपादान कारक में अलग होने की भूमिका, जो अलग हो रहा है उससे पहले, जिससे अलग हो रहा है उससे जुड़कर से आ जाता है। जहाँ पर हमने देखा था कि पेड़ से पत्ते गिर गए, तो पत्ते गिरते हैं लेकिन कहाँ से गिरते हैं, तो पेड़ से, तो उस जिससे जुड़े हुए रहते हैं उससे से लग कर आ जाता है। तो इस तरह से करण कारक और अपादान कारक की जो अंतर है वो आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से इस कारक का एक अंतर और भी है, संप्रदान कारक और कर्म कारक। इनमें भी देखो, संप्रदान कारक में कर्ता देने का कार्य करता है और कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। यानी संप्रदान कारक क्या है, तो वहाँ पर कर्ता किसी को कुछ देने के कार्य करता है तो उससे जुड़कर उसका विभक्ति चिन्ह लग जाता है, और कर्म कारक में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उस फल से जुड़कर वो विभक्ति चिन्ह आ जाता है। तो इस तरह से ये कारक के 8 भेद हैं और उनकी पहचान हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी गई हैं। बच्चों, आपको ज़रूर ये अच्छी तरह से समझ आएंगे, आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए, तो पढ़कर समझोगे तो बहुत ही आसान होगा आपको कारक के भेदों को पहचानना। तो बच्चों, यहीं पर हमारा कारक का जो अध्ययन है वो समाप्त होता है।